हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज हम अपने इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन नंबर 27th और 28th करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो, 27th में हमें दिया हुआ है v इक्वल टू log u एंड देन v इक्वल टू fx प्लस gy। तो मतलब वो कह रहा है कि पहले तो v इक्वल टू log u का इस्तेमाल करो और फिर करो v इक्वल टू fx प्लस gy और ये वाली इक्वेशन सॉल्व करो। और उसने हमें जो इक्वेशन सॉल्व करने को दी है वो दी है u में, इसमें v नहीं है इक्वेशन में। तो इसका मतलब पहले इन v का इस्तेमाल करके हमें यू एक्स और यू वाई निकालने पड़ेंगे, क्योंकि वैल्यू तो अल्टीमेटली हमें इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करनी है ना। तो हमें दिया हुआ है v इक्वल टू लॉग एक्स, हमें चाहिए यू एक्स, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। तो v का डिफ्रेंशिएशन हो गया v एक्स, लॉग यू का 1 बाय यू और यू का डिफ्रेंशिएशन यू एक्स, चेन रूल लगाया, ठीक है। पहले लॉग यू का किया 1 बाय यू और फिर डेल यू बाय डेल एक्स हो गया, तो यू एक्स आ गया। यहाँ से यू एक्स मैंने निकाल लिया, यू वी एक्स आ गया, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर दिया इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर वी को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो मेरे पास आ गया बेटा वी वाई और लॉग यू का हो गया 1 बाय यू और फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई यू का करेंगे तो 1 बाय यू डेल यू बाय डेल वाई। इसमें से हमने यू वाई निकाल लिया। अब मुझे यू एक्स और यू वाई दोनों वी एक्स और वी वाई की टर्म्स में मिल गए। इसे मैं गिवन इक्वेशन, ये वाली जो है जहाँ मेरी पेंसिल है, इसे मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगी, ठीक है। इसमें जब मैंने सब्सटीट्यूट किया तो यू एक्स की वैल्यू यू वी एक्स डाल दी मैंने, स्क्वायर था तो दोनों का स्क्वायर हो गया। तो हमने वैल्यू डाल के जितना सॉल्व हो रहा था कर लिया। मैंने देखा यू स्क्वायर जो है दोनों साइड पे कैंसिल हो सकता, तो मैंने कर दिया और मेरी पूरी इक्वेशन अब वी एक्स वी वाई में आ गई। तो यू एक्स चले, यू चला गया वेरिएबल और आंसर वी और वाई इसमें आ गया। मतलब वी इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स एंड वाई आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल राइट नाउ, ठीक है बच्चे। यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, हमें क्वेश्चन में उसने लिख के दे रखा है कि अब आप सब्सटीट्यूट कीजिए v इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी वाई। मतलब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की जो टर्म होती थी वो किस पे गिवन है, v पे गिवन है। अब आगे का काम हम वही करेंगे, v को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो एफ डैश एक्स, v को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो g डैश y। अब ये वी एक्स और ये वी वाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए जो ऊपर इक्वेशन आई है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। अब इक्वेशन नंबर 1 में सेपरेट डल गई है, तो अब फिर वही काम आगे हो जाएगा कि दोनों वेरिएबल सेपरेट होंगे। हम एक साइड पे तो रखेंगे x की टर्म्स और एक साइड पे हम ले जाएंगे y की टर्म्स, ठीक है बेटा। यहाँ तक अब क्योंकि ये दोनों स्क्वायर स्क्वायर दिख रहे हैं ना वेरिएबल सेपरेट होने पे, इसलिए मैंने लैम्डा स्क्वायर ले लिया। तो मुझे एक इक्वेशन तो मिल गई दिस, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन मिल गई 1 माइनस वाई स्क्वायर जी डैश वाई होल स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। सबको मालूम है ना कि मैंने क्या बताया हुआ, ये तीनों है। तो एक बारी लैम्डा स्क्वायर के साथ एक्स वाली टर्म्स ले लो, एक बारी लैम्डा स्क्वायर के साथ वाई वाली टर्म्स ले लो और इनको अब आपस में सॉल्व कर लो। तो देखो, जब मैं इसका स्क्वायर खत्म करूंगी तो एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, डी एफ बाई डी एक्स और ये वाला एक्स मैं नीचे उतार लाई तो ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब आ गया डी एफ का इंटीग्रेशन लैम्डा बाई एक्स डी एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन एफ लैम्डा लॉग एक्स, अब आपकी मर्जी है, लॉग सीवन लेना है लॉग सीवन ले लो, खाली सीवन लेना वो भी चलेगा, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया यहाँ से f। अब यहाँ से क्या करेंगे आप, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर जी डैश वाई का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर को पहले ख़त्म कर ले, ठीक है ना। तो ये आपके पास ये आ जाएगा, ऑल राइट, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन वाई और दूसरी साइड आ गया आपका डी जी अपॉन डी वाई। तो ये डी वाई ऊपर चला गया, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई आपने इसका इंटीग्रेशन कर लिया। तो यहाँ से क्या आया आपके पास, अंडर रूट है लॉग वाई, ठीक है। आप चाहें तो यहीं डाल दें लॉग सी टू और डी जी का इंटीग्रेशन जी आ गया, क्लियर है बच्चों। अब आपको ये एफ और जी की वैल्यू मिल गई, तो इसको डाल दीजिए, पुट इन वी इज इक्वल टू क्या था आपका, एफ एक्स प्लस जी पे, ठीक है। इसमें वैल्यू डाली तो आपका आ गया लैम्डा लॉग एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर लॉग वाई और ये लॉग सी वन प्लस लॉग सी टू की जगह आप चाहें तो कुछ और डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि है तो कॉन्स्टेंट ही। बट वी मेरा क्या था, वी मेरा लॉग यू था। मैंने क्यों डाला इसको लॉग यू यहाँ पर, क्योंकि मेरे को आंसर तो यू का ही निकालना है, क्योंकि इक्वेशन तो यू की थी ना जो सॉल्व करनी है। अब देखो ये लॉग खत्म कर लो जितना कर सकते हो, सॉरी मल्टीप्लाई आएगा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर दिस और ये हो गया सी वन सी टू, ठीक है। मैंने क्या किया है, ये लॉग यू है ना, तो लॉग को जैसे ख़त्म करते हैं, सब बच्चों को पता है कि यू इज इक्वल टू ई टू द पावर दिस बनना शुरू हो जाएगा ना, तो ये लैम्डा लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स लैम्डा, तो इसलिए एक्स लैम्डा आ गया। और ये प्लस का साइन था तो इसका मतलब लॉग वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही थी,
ऐसे ही ये वाई वन माइनस लैम्डा स्क्वायर अंडर रूट वाले ऊपर चढ़ जाएगा तो वाई अंडर रूट वन माइनस लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही ये सी वन और ये सी टू, लॉग सी वन प्लस लॉग सी टू, लॉग सी वन सी टू के बराबर था, लॉग चला जाएगा तो सी वन सी टू आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आ गया मेरा इसका आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। अब क्वेश्चन नंबर 28 में उसने हमें नई सब्सटीट्यूशन दी है, अप्लाई रूट यू इक्वल टू वी एंड देन वी इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी वाई। तो मुझे दिया हुआ है रूट यू इक्वल टू बी, तो इसको अगर मैं दूसरी दोनों साइड पे डिफ्रेंशिएट करूंगी तो ये आ जाएगा वन बाय टू रूट यू यू एक्स इज इक्वल टू वी एक्स। मतलब ये कैसे आया मेरे पास, पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है, और सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, तो यू एक्स मेरे पास आ गया टू रूट यू वी एक्स। ठीक है बेटा, यहाँ तक सबको समझ आया। ऐसे ही रूट यू इक्वल टू वी अगर आपको दिया हुआ है, पार्शली इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, पार्शली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या आ जाएगा वन बाय टू रूट यू यू वाई इज इक्वल टू वी वाई। अब ये इक्वेशन में डाल दो, पुट इन गिवन इक्वेशन। मेरी गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स टू द पावर फोर यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर यू। तो एक्स टू द पावर फोर फोर सॉरी टू रूट यू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यू वाई क्या हो जाएगा, टू रूट यू वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू फोर यू। जरा देखें क्या आ रहा है सॉल्व करके, एक्स फोर फोर रूट यू का यू वी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फोर रूट यू का यू वी वाई स्क्वायर फोर यू। यू कैन कैंसिल यू ऑन बोथ साइड्स, राइट। ठीक है, तो मेरे पास आ गया फोर एक्स फोर वी एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर वी वाई स्क्वायर। हम फोर यू कैंसिल कर सकते थे, हम फोर यू स्क्वायर कैंसिल कर सकते थे, तो पहले लिख देती, ठीक है, मेरे पास आ गया, चलिए मेरे पास क्या आ गया, फोर यू कैंसिल करने पे एक्स फोर वी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वी वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। ये इक्वेशन बन गई मेरी अब, है ना। ठीक है, अब इसके अंदर अब हमें यूज करना है, वी आर गिवन, देखो वी दिया हुआ है एफ एक्स प्लस जी वाई, तो वी एक्स आ गया एफ डैश एक्स, वी वाई आ गया जी डैश वाई। वैल्यू डाल दो, एक्स फोर एफ डैश एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी डैश वाई का स्क्वायर इक्वल टू वन। ये स्टार में हमने इक्वेशन डाल दी है, वैल्यूज डाल दिया तब आया है। फिर हमेशा की तरह आप एक्स की टर्म्स को एक साइड रखेंगे और वाई की टर्म्स को दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि स्क्वायर्स दिख रहे हैं तो लैम्डा स्क्वायर। तो एक बारी इसके साथ लिया तो मेरे पास आ गया एफ डैश एक्स स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास ये आ गया, तो एफ डैश एक्स आपके पास आ गया लैम्डा बाई एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं डी एफ बाई डी एक्स इक्वल टू लैम्डा बाई एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा डी एफ इक्वल टू लैम्डा बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, दोनों तरफ अंडर रूट, ठीक है, तो वन बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन बाय एक्स प्लस ए। ठीक है बेटा, ये तो आ गया आपका एफ का। अब दूसरी वाली साइड ये वाली लेंगे हम दोनों, तो ये मेरी दे देगी ये, ठीक है, तो वन माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर जी डैश वाई का स्क्वायर, क्लियर। तो ये आ गया वन माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू जी डैश वाई। ठीक है, यहाँ तक दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है, यहाँ तक आ गया सब बच्चों का। तो ये बन गया वन माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन वाई डी जी वाई डी वाई, राइट। नाउ टेक वाई ऑन द अदर साइड, डी वाई इंटीग्रेशन डी जी, ठीक है, तो ये क्या देगा, वन माइनस लैम्डा स्क्वायर लॉग वाई इज इक्वल टू जी प्लस सम कॉन्स्टेंट से बी। अब मेरा वी एक्स वाई आपको गिवन था एफ एक्स प्लस जी वाई, अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए, एफ एक्स की वैल्यू आ गई माइनस लैम्डा बाई एक्स प्लस ए, इसकी आ गई बी प्लस वन माइनस लैम्डा स्क्वायर लॉग वाई, तो ये बन गया मेरा दिस वन। बट वी क्वेश्चन में क्या गिवन था, रूट यू, तो रूट यू आ गया आपके पास ये,
ठीक है, फाइनल आंसर बेटा यू में ही छोड़ना, और ए प्लस बी की जगह पे मैंने कोई और कांस्टेंट ले लिया से आर, ठीक है, मर्जी है आपकी, कोई भी कांस्टेंट ले लिया, ठीक है, मुझे आंसर यू का देना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया सबको, क्वेश्चन 28th था ये। नेक्स्ट क्लास में कैनोनिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। सो बच्चों वो एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, तो नेक्स्ट वीडियो सब जरूर वॉच करें। सो सी यू ऑल।